आज हम बात करेंगे वोल्वो की सबसे सर्वश्रेष्ठ कार के बारे में। साथ ही इस गाड़ी को वर्ल्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ कार भी माना जाता है, क्योंकि वह कंपनी इस गाड़ी के अंदर यह दावा करती है कि 2022 के अंदर इस वाले वेरिएंट जैसे कि वोल्वो XC90 के अंदर कोई भी आदमी मर नहीं सकता है। अब यह कैसे दावा करती है कोई मेरे को पता नहीं है, पर जैसे कि बहुत ही अच्छी सर्वश्रेष्ठ कार बनाई गई है, क्योंकि इनकी सारी गाड़ियां लगभग 5 स्टार रेटेड होती है। साथ ही वोल्वो जितना सेफ्टी पर ध्यान देता है उतना शायद कोई और बना दे पाता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे वोल्वो XC90B6 अल्टीमेट वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले गाड़ी के इंजन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर गाड़ी के इंजन के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 1969 cc का 4 सिलेंडर एयरलाइन इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर गाड़ी के इंजन टाइप की बात की जाए तो इस वाले इंजन को 2.0 ड्राइव ई टर्बोचार्ज इंजन कहा जाता है। साथ ही अगर फ्यूल टाइप की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्लस दोनों प्रकार के फ्यूल टाइप देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर अल्टरनेट फ्यूल टाइप की बात की जाए तो वह पेट्रोल है। साथ ही अगर गाड़ी के मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट का मैक्सिमम टॉर्क 420 Nm। साथ ही अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर मैक्सिमम पावर 300 BHP दिया गया है, जो कि इस हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही कंपनी इस गाड़ी का माइलेज लगभग 11.4 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से क्लेम करती है। साथ ही अगर इसके अंदर वो हाइब्रिड वाला सिस्टम देखा जाए इलेक्ट्रिक वाला, तो इसके हिसाब से इस गाड़ी का एवरेज लगभग 36 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से निकल के आता है। यह गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। साथ ही अगर गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक 8 गियर मैनुअल ओवरराइड स्पोर्ट मोड दिया गया है। साथ ही अगर ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है कंपनी के द्वारा। साथ ही अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर और भी फीचर्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करा रखा है। साथ ही अगर गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 94,90,000 रूपए रखी गई है कंपनी। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर डायमेंशन सिस्टम की बात की जाए तो लेंथ लगभग 5,553 mm, विड्थ लगभग 2,008 mm, हाइट लगभग 1,773 mm। साथ ही अगर गाड़ी के व्हील बेस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट का व्हील बेस लगभग 2,984 mm दिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 238 mm का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर गाड़ी के कर्व वेट की बात की जाए तो आप लोगों को हैरानी होगी, यह गाड़ी लगभग 2962 किलोग्राम की बनाई गई है कंपनी के द्वारा। अगर गाड़ी की कैपेसिटी की बात की जाए तो यह वेरिएंट 5 डोर्स के साथ देखने को मिलता है। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यह गाड़ी एक 7 सीटर कार है। अगर सीटिंग रो की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टोटल 3 सीटिंग रो देखने को मिलती है। साथ ही अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो आप लोगों को बता दें कि इस गाड़ी का बूट स्पेस लगभग 709 लीटर का दिया गया है कंपनी के द्वारा। अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो फ्यूल टैंक लगभग किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है इतना बड़ा, क्योंकि इसमें 71 लीटर का अच्छा खासा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर ब्रेक टाइप की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क और रियर ब्रेक टाइप भी डिस्क प्रकार का दिया गया है। साथ ही अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर एलो व्हील देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो टायर प्रोफाइल लगभग 275/45 R20 के दिए गए हैं, जो कि बेहतरीन टायर सिस्टम दिया गया है। अगर गाड़ी की सेफ्टी सिस्टम के बारे में बात की जाए तो दोस्तों सेफ्टी सिस्टम के बारे में क्या बात करेंगे, कि वैसे ही यह गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, क्योंकि वोल्वो जितना अपनी गाड़ियों के अंदर सेफ्टी सिस्टम के ऊपर ध्यान देता है शायद कोई और कंपनी दे होगी। फिर भी आपको बता दें कि यह एनकैप द्वारा 5 स्टार रेटेड है, जो कि ईरो एनकैप द्वारा है। एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में ही 5 स्टार रेटेड है कार। साथ ही अगर इस वाले वेरिएंट यह वेरिएंट 80 की स्पीड पर रहेगा तो एक बार अलर्ट करेगा, और 120 की स्पीड पर रहेगा तो कंटिन्यूस अलर्ट करेगा। अगर गाड़ी के अंदर एयरबैग की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टोटल 7 एयरबैग देखने को मिलते हैं, इस वजह से यह गाड़ी और भी सेफ बन जाती है। साथ ही इस वाले गाड़ी वेरिएंट के अंदर सारे सिस्टम ऑटोमेटिक दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। अगर गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 4-व्हील ड्राइव, साथ ही हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शनल दिया गया है कंपनी के द्वारा, हिल डिसेंट कंट्रोल, साथ ही ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम दे रखे हैं जैसे कि यही सिस्टम इसको पूरा वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कार बनाने में इसकी मदद करता है। साथ ही अगर गाड़ी के लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर इंजन एम्बुलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे बेहतरीन लॉक सिस्टम दे रखे हैं कंपनी के द्वारा। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर एयर कंडीशनर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलता है। साथ ही रियर AC वेंट्स और थर्ड रो AC वेंट्स भी कंपनी के द्वारा अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर रखे हैं। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर हीटर भी देखने को मिलता है। इस वाले वेरिएंट के अंदर अगर देखा जाए तो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दे रखा है। साथ ही फ्रंट में भी कैमरा दिया है कंपनी के द्वारा, और साथ ही फ्रंट में भी पार्किंग और सेंसर कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करे रखे। साथ ही अगर रियर सेंसर की बात की जाए तो कंपनी के द्वारा रियर भी 4 पार्किंग सेंसर दे रखे। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को रियर डिफोगर, उसके साथ रियर वाइपर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही अगर
क्रूज कंट्रोल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। साथ ही यह गाड़ी कीलेस स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के साथ ऑपरेट होती है। साथ ही अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। अगर गाड़ी के अंदर 12 वोल्ट आउटपुट सॉकेट्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर बहुत सारे 12 वोल्ट के आउटपुट सॉकेट्स कंपनी के द्वारा दे रखे हैं। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ड्राइवर सीट 16 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल दे रखी है, जो कि मेमोरी फंक्शन के द्वारा कंपनी के द्वारा इनबिल्ट कर रखी है। साथ ही अगर फ्रंट पैसेंजर सीट्स की बात की जाए तो वह भी 16 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल 2 मेमोरी सीट्स अवेलेबल करवा रखी है कंपनी के द्वारा। अगर रियर रो सीट्स एडजस्टमेंट की बात की जाए तो 2 वे मैनुअल एडजस्टेबल, साथ ही थर्ड रो सीट्स की बात की जाए तो वह भी 2 वे मैनुअल एडजस्टेबल कंपनी के द्वारा दे रखी है। साथ ही अगर सीटों के अंदर मटेरियल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर नापा लेदर के नाम से अच्छा खासा लेदर यूज में लिया गया है कंपनी के द्वारा, जो कि एक बेस्ट क्वालिटी देता है और गाड़ी की सीटिंग को। साथ ही अगर इस वाले वेरिएंट को देखा जाए तो यह वेरिएंट डुअल टोन के साथ देखने को मिलता है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर स्टोरेज की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर फ्रंट और रियर दोनों साइड कप होल्डर देखने को मिलते हैं। साथ ही ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दिया गया है। साथ ही अगर ग्लोव बॉक्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ग्लोव बॉक्स कूल्ड देखने को मिलता है। साथ ही अगर गाड़ी के डोर्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर चारों डोर्स के अंदर पावर विंडो इंस्टॉल कर रखी है, जो कि वन टच डाउन वन टच अप सिस्टम के साथ ऑपरेट होती है। साथ ही अगर ORM की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर बॉडी कलर्ड ORM देखने को मिलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल प्रकार के दिए गए हैं। गाड़ी के अंदर रियर डिफोगर, रियर वाइपर जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन कंपनी के द्वारा दिए गए। साथ ही जो अपना टेल गेट रहता है बूट स्पेस का, वह भी इलेक्ट्रिक प्रकार बटन टाइप दे रखा है कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। अगर देखा जाए तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लुक देता है गाड़ी को। अगर गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर डिजिटल प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। साथ ही यह मीटर ट्रिप मल्टीफंक्शन डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर एवरेज फ्यूल कंज्यूमेशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MPT, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर हजार वार्निंग, साथ ही गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर, हेड अप डिस्प्ले HUD देखने को मिलती है। साथ ही अगर टेकोमीटर की बात की जाए तो टेकोमीटर भी इस वाले वेरिएंट के अंदर डिजिटल प्रकार का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही अगर यह म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जो कि 9 इंच का दिया गया है कंपनी के द्वारा। अगर इस वाले वेरिएंट की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यह वेरिएंट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायर्ड तरीके से सपोर्ट करता है। इस वाले म्यूजिक सिस्टम के अंदर बहुत सारे फंक्शन कंपनी के द्वारा ऐड किए हैं, जो कि इस प्रकार है। देखें आप, जैसे कि इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को टोटल 9 स्पीकर देखने को मिलते हैं। साथ ही स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, वॉइस कमांड, GPS नेविगेशन सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एक्स कनेक्टिविटी, FM रेडियो, USB कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है कंपनी के द्वारा। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर iPod कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर गाड़ी के अंदर वारंटी की बात की जाए तो वो लोग कहता है कि इनकी गाड़ी की वारंटी लगभग अनलिमिटेड दे रखा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार इस वीडियो को बनाने में जितना टाइम लग रहा है, आप सोच रहे हो कि पहला वीडियो होगा मेरा जो कि किसी गाड़ी के ऊपर 8 मिनट से ऊपर चला गया, लगभग 8.5 मिनट तक चला जाएगा ये वीडियो। तो दोस्तों, इस गाड़ी को जिस प्रकार से कंपनी के द्वारा कस्टमाइज किया गया है, एक से बढ़कर एक चीजें लगाई गई है। साथ ही इस वाले वेरिएंट को जितना ज्यादा शेप बना सकती है गाड़ी, उतना ज्यादा शेप बनाया, क्योंकि यह गाड़ी इनकी वोल्वो की एक पहचान है, वोल्वो XC90। क्योंकि वोल्वो कंपनी के अगर देखा जाए तो गाड़ियों के मामले में सबसे बेहतरीन गाड़ी इसी को माना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।